जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे, और यदि कोई तकलीफ भी है तो वो इन उपायों को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि मैं हर दफे बताता हूँ आप लोगों को कि यदि जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जिन पर आपका विश्वास होना असंभव है, आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं आपके पूर्वज नाराज तो नहीं हैं, या आपके बड़े बुजुर्ग जो आपके साथ में रह रहे हैं कहीं वो तो दुखी नहीं हैं, या ऐसे लोग जो अब आपके साथ में नहीं हैं, आपके बीच में नहीं हैं, क्या वो असंतुष्ट तो नहीं है? ये आप देख लें, क्योंकि यदि पूर्वज जिस किसी भी व्यक्ति के खुश नहीं होते हैं उसके जीवन में, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी तकलीफें आती हैं। उनके घर के जो बच्चे होते हैं वो अनपढ़ रहते हैं, उनके घर में बच्चों की शादियाँ जल्दी नहीं होती है, उन पर कर्जा ज़्यादा होता है, उनका कोई भी कामकाज सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से नहीं चलता है, समाज में उनको मान पान सम्मान नहीं मिलता है, बड़े होते हुए भी उनको उनका दर्जा नहीं मिलता है। तो यदि आपके साथ में ये हो रहा है तो एक बार देख लें कि आपके पूर्वज संतुष्ट तो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई पूजा या कोई विधि अधूरी रह गई हो या बाकी रह गई हो, एक बार यह भी देख लेना चाहिए आपको। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक उपाय कि यदि सब कुछ सही है तो फिर इस उपाय को आप कर लीजिए। यदि आपके कोई भी काम हैं जो नहीं बन रहे हैं, जो रुक रहे हैं, वो सारे ही काम आपके बनने लग जाएंगे। चाहे आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना आ गई हो, कोई बड़े से बड़ा संकट या आपदा क्यों ना आ गई हो, आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर से हर वो संकट दूर हो जाएगा कि जिसके लिए आप अत्यंत परेशान थे, ऐसी हर परेशानी आपके घर से बहुत दूर चली जाएगी। चाहे वो पैसे टके से संबंधित हो, चाहे बीमारी आदि व्याधि से हो, दुश्मन से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की हो, चाहे आपके घर में बच्चों की शादी ना हो रही हो, पढ़ाई लिखाई बराबर ना चल रही हो, लेकिन इस उपाय को आप करेंगे तो आपके घर में सारी ही चीजें सुव्यवस्थित रूप से होने लग जाएंगी। उपाय बहुत ही सरल है, आपको करना क्या है कि आप सूर्योदय के समय पर उठ जाएं, हो सके तो सूर्योदय से थोड़ा पहले उठ जाएं, स्नान वगैरह क्रिया से फुर्सत होकर के सीधे ही अपने किचन में जाएं, अपनी रसोई में जाएं, हो सके तो अगले दिन से ही उस वस्तु को आप निकाल करके किचन में बाहर रखें ताकि उस चीज को आपको ढूंढना न पड़े। यह टोटका गुप्त रीति से करने की आवश्यकता नहीं है, घर के सभी मेंबर्स को मालूम होना चाहिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, हर मेंबर आपको इसमें सपोर्ट करे, मदद करे, इस तरह से इस क्रिया को आपको करना है। जैसे मैंने बताया, सवेरे आप सूर्योदय के समय पर या उससे थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं, लेकिन सूर्योदय होने के बाद कृपया ना उठें। सारी ही ऐसी जो क्रियाएं हैं उसको सूर्योदय के पहले यदि आप उठ जाते हैं, बिस्तर छोड़ दें, फिर आपका जो नित्य क्रम है उसको करते रहें, लेकिन हो सके तो सूर्योदय के पूर्व आप बिस्तर को छोड़ दें और स्नान आदि क्रिया से फुर्सत होकर के सीधे ही आप अपने किचन में जाएं। दूसरा, कोई भी कर्म किए बिना आप सीधे ही किचन में चले जाएं और आपके घर में जो चिमटा होता है, जो रोटी को पलटने के लिए उठाने के लिए काम में आता है, प्लायर्स भी कहते हैं जिसे, कहीं चिप्पिया भी कहते हैं, उसको आप उठा लें। उसको उठाने के बाद आप अपने किचन से प्रारंभ करें और आपको बोलना है अलख निरंजन और उसको दबा देना है,
अलग निरंजन और उसको दबा देना है। इस तरह से आपको अपने संपूर्ण घर में इस क्रिया को करना है। इसकी आवाज से और अलख निरंजन से आपके घर की सारी नेगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में थी, वो सारी ही नकारात्मक शक्तियां एक एक करके आपके घर से बहुत दूर चली जाएंगी और सकारात्मक शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में वास करने लग जाएंगी। यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है जिसका कारण नहीं मालूम पड़ रहा है कि किस वजह से ये बीमार है, तो उसके सिर के पास खड़े होकर के 7 दफे इसे बजा दें, अलग निरंजन, अलग से करें इसको। संपूर्ण घर में करने के बाद में जब बीमार व्यक्ति जिस कमरे में है वहां पर जाकर उसके सिर के पास खड़े होकर के इस क्रिया को कर दें। पैसों के लिए करना है आपको, तो आप जहां कहीं पैसा रखते हैं वहां पर खड़े होकर के इसको 7 दफे कर दें। अन्यथा सब कुछ सुचारू है, घर में थोड़ा सा कलेश है, कुछ पढ़ाई लिखाई का थोड़ा अव्यवस्थित है, तो 11 दफे पूरे घर में अलग निरंजन सवेरे सवेरे इस चिमटे को बजा दें। आपके घर से जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, आप देखेंगे जैसे जैसे ये क्रिया बढ़ती जाएगी आपके घर से सारी नेगेटिविटी जाती जाएगी और आप इस तरह से लाइफ में प्रोग्रेस करने लग जाएंगे कि आपको इस चीज पे अत्यंत बिलीव होने लग जाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों और उनके लाभान्वित होने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।